बाद तीसरे वाक्य आत्मा को हम प्रारंभ करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद हो कि एक सप्ताह फिर से परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा, सुरक्षित और उनके भाग रहे कि परमेश्वर का मुख रहता परमेश्वर की आशीष है और फिर से मुख्य दिया है परमेश्वर ने कि आज हम शराब को परिवार के साथ मिलकर निकल सके। सो आइए ग्रह के बाद तीसरे रविवार के आत्मा को हम प्रारंभ करते हैं और आराधना को प्रारंभ करते हुए हम अंबेडकर की गीत नंबर 69 की किताब में से की संख्या 69। सामने मान लेते हैं कि हम सफाई से पाप में अक्षत हैं
याद हुए कि हम तेरी इच्छा पर चलना है और तेरे वचन का ठीक आगे का पालन करें, जिससे तेरे अनुग्रह के द्वारा हमारी जीवन बनाए हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते हो और उस पर विश्वास करते हो तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा मैं तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। क्योंकि मैं अकेला और अधीन हूँ, मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सारे पापों को क्षमा कर। हे यहोवा, मैं अपना मन तेरी ओर लगा लूं। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ ही पर भरोसा रखा है, मेरी आशा ना उठे।
हैं तो सब काबल है, तेरे में ना कुछ दृढ़ है और न पवित्र है। अपनी दया हम पर फैला और बढ़ा कि हम तेरी अध्यक्षता और संचालन के द्वारा संसारी पापों में से इस प्रकार पार हो कि अंत में हम सनातन वस्तुओं को हो ना दे। उसी यीशु मसीह को तुम्हारे प्रभु के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा परमेश्वर युगानुगी का और राज करता है, आमीन। त्रय के बाद तीसरे रविवार के लिए ट्राई करते हैं अनन्य का पाठ सुनेंगे जो मिलता उत्पत्ति के नाम उसका 17वां अध्याय 1-8 पद का उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय 1-8 पद का उत्पत्ति अध्याय 17:1-8। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बनी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल मिता हो जाएगा। सो अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है, और मैं तुझे अत्यंत ही फैलाऊंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। यहाँ पर आज के लिए पत्रस की पहली पत्री उसका 5वां अध्याय 6-11 पद का पत्रस की पहली पत्री उसका 5वां अध्याय 6-11 पद का परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से होता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ में मुझे दीनता से लगा जिससे वह तुम्हें कुछ समय पर बढ़ाए, अपनी सारी चिंताओं से बढ़ा दो क्योंकि उसको तुम्हारे ध्यान है, सचेत को और जानते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान हम दूसरे नंबर गीत की नंबर 9 मेल करके गाएंगे गीत किताब में से गीत संख्या 9। Yeah.
खड़े होकर आज के दिन के लिए फ्राइडे सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे। तो मिलता है लूकर रचित सुसमाचार उसका पद अध्याय एक पद से लेके दस पद तक। लूकर रचित सुसमाचार उसका पद अध्याय एक पद से लेके दस पद तक। सब चुके लेने वाले और आप भी उसके पास आए करते थे ताकि उसे सुने, पर फरीसी और शास्त्री को उठा कर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उसे कहा, ये निशान कहा, तुम्हें से कौन है इसकी 100 भेड़ हो और उसमें एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस कोई दूर जब तक मिलना जाए तो सलाह है, और जब मिल जाती है तब वे बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी कोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मंत्रालय वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही बड़ा आनंद होता है जितना कि 99 ऐसे भेदों के विषय में नहीं होता जिन्हें मंत्रालय का आवश्यकता नहीं। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उसमें से एक हो जाए तो है दिया जलाकर और घर झाड़ उहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर सोचती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरे कोई हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तो उसे कहता हूँ इसी नीति से एक मंत्र लाने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वरूप के सामने आनंद होता है। यहाँ पर आज दिन के सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और समझाने पर सबको आशीष। आइए हम विश्वास जन अपने विश्वास और कार्य करते हुए मिलकर के एक साथ प्रेरितों का विश्वास वचन कहेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता को जो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह द्वारा उसके द्वारा पवित्र द्वारा हुआ है, वह पवित्र आत्मा की शक्ति से करने आया तुम्हारे लिए सत्यना और अंतर मित्र को हुआ की तैयारी के लिए हम गीत नंबर 350 गाएंगे। गीत नंबर 350
हर परिवार हमेशा हमें मदद करता है कि अपने अपने विभिन्न दासों के द्वारा से विभिन्न भक्तों के द्वारा से हम परमेश्वर के वचन को सुने। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है और आज हमारे लिए एक बड़ा सुंदर अवसर है कि आज डॉक्टर विमल लाल के द्वारा से हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। डॉक्टर विमल लाल बहुत से हैं, अपने से बहुत से लोग उनसे परिचित होंगे। मेरे लिए कृष्ण सर्विसेस के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष है, एक बड़ी अच्छी संस्था है जिन्होंने परमेश्वर के वचन को फैलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने वचन का भेद उन्हें दिया है न केवल भारत में, भारत के बाहर भी उन्होंने जाकर के परमेश्वर के वचन को बताया से फैलाया है। परमेश्वर ने वचन का भेद उन्हें दिया है, ज्ञान दिया है और आज उन्हीं के द्वारा से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और हम जानते हैं कि बहुत सारी सेवाएं परमेश्वर ने दी है और बहुत सारी सेवाओं को ये अपने मध्य में पूरे चला रहे हैं। उनके पास हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, सुसमाचार प्रचार का काम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम का काम है, बच्चों की शिक्षाई है, सीनियर सिटीजन की प्रोग्राम है, बहुत सारे अन्य ऐसे प्रोग्राम हैं जो डॉक्टर विमल लाल अपने मार्गदर्शन में चला रहे हैं। सो हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर विमल लाल का, आज के इस सुंदर संदेश को रिकॉर्ड करके हमारे कहीं से भी भेजा है और ये समझना कि हम डॉक्टर विमल लाल के वचन के द्वारा से आज ही आशीष को पाएंगे। सबसे पहले धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को इस अवसर के लिए और धन्यवाद देना चाहता हूं आपके सागर की प्रतिष्ठित ईएलसी कलीसिया के लिए जिन्होंने ये आमंत्रण मुझे दिया। भाई अलेक्जेंडर का फ़ोन मेरे पास आया और उन्होंने इस बात के लिए मुझसे पूछा। उसके बाद रेवरेंड जयंत से बातचीत हुई और उन्होंने आमंत्रित किया और कहा कि क्या आप परमेश्वर के वचन की सहभागिता इस कलीसिया के लिए करेंगे। और मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे सम्मान दिया है और परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांटने का अवसर मुझे प्रदान किया। परमेश्वर के वचन से कुछ आयतें आपके सामने पढ़ लेना चाहता हूं जिस विषय पर आपसे आज चर्चा करना है। वो पाई जाती हैं याकूब की पत्री में, उसका पहला अध्याय, उसकी दूसरी आयत से लेकर आठवीं आयत तक, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे परमेश्वर के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो और तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको दारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान हैं जो हवा में बहती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, वह व्यक्ति दुचित्ता और अपनी सारी बातों में चंचल है। मुझे और आपको बहुत बार जीवन में जो कुछ मिलता है वो मेरे और आपके विश्वास के अनुसार मिलता है। क्या मेरे और आपके विश्वास की परीक्षा होती है? इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं और परमेश्वर का वचन इस बात में स्पष्ट है कि हाँ, मेरे और आपके विश्वास की परीक्षा जो है वो होती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसकी 29वीं आयत में लिखा हुआ है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। मेरे और आपके जीवन में एक लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन काम करता है। जैसा मैं और आप देखना चाहते हैं वैसा मुझे और आपको दिखाई देता है, जैसा मैं और आप सुनना चाहते हैं मेरे और आपको वैसा सुनाई देता है, और जैसा मैं और आप अनुभव करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, बहुत बार वैसा मुझे और आपको फील और अनुभव भी होता है। यदि आप ये कल्पना करने लगें कि आजकल शहर में, मेरे शहर में बहुत से लोग हैं जिनका वजन ज़्यादा हो गया है, वो मोटे हो गए हैं, तो मुझे और आपको हर मोटा व्यक्ति जो है उसकी ओर मेरा और आपका ध्यान जाएगा और मुझे और आपको लगेगा हाँ ऐसा सही है। यदि मैं और आप सोचने लगे कि लोग बहुत आजकल अपशब्द बोलने लगे हैं तो जितने भी अपशब्द मेरे और आपके इर्द गिर्द बोले जाएंगे वो सारे अपशब्द मुझे और आपको सुनाई देने लगेंगे और मुझे और आपको लगेगा कि हाँ ये बात सही है, लोग आजकल बहुत ज़्यादा अपशब्द बोलने लगे हैं। यदि आप कहें कि बाहर धूप जो है वो आजकल बहुत तेज़ हो गई है तो फिर हमें लगने लगता है कि हाँ धूप जो है वो बहुत तेज़ हो गई है, दर्द ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा अनुभव होने लगता है, कम लग रहा है तो कम अनुभव होने लगता है। जैसा मैं और आप सुनना देखना अनुभव करना चाहते हैं बहुत बार वैसा मेरे और आपके साथ घटित होने लगता है। क्या ये बात विश्वास के लिए सही है? और इसकी चर्चा मुझे आज आपसे इसलिए करना है क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो आप देख रहे हैं किस तरह निर्मित हो रही हैं। कोविड-19 का प्रकोप जो है वो बढ़ रहा है,
हर शहर में लोग चिंतित हैं, आंकड़े जो हैं वो टेलीविज़न पर देखे जा रहे हैं। जब मैं और आप टेलीविज़न को ऑन करते हैं तो ऐसा लगता है कि हर कोई जो मेरे और आपके आसपास है वो कोरोना से, इस कोविड-19 जो बीमारी है उससे ग्रसित है, और ये इन्फेक्शन मुझे और आपको कभी भी लग सकता है। और मुझे और आपको लगता है कि न जाने अब क्या होने वाला है, अब इस दुनिया में क्या होगा, क्या और समस्याएं इस दुनिया में आएंगी। और बहुत बार इन सारी चिंताओं से जो होता है वो ये कि मेरा और आपका विश्वास जो है वो नीचे आने लगता है, वो कम होने लगता है। मैं और आप चिंतित होने लगते हैं। मैं परमेश्वर पर भी, जिस पर मैं और आप बहुत दृढ़ता से विश्वास करते हैं, वो मेरा और आपका विश्वास कम होने लगता है। और ऐसे समय में जब मेरे और आपके जीवन कठिन दौर से होकर गुजर रहे हैं, जब मेरे और आपके जीवन में परेशानियां हैं, भले वो इस महामारी की वजह से हों या अन्य वजहों से हों, तो मेरे और आपका विश्वास जो है वो बहुत बार हिलने लगता है। मेरा और आपका विश्वास जो है वो डगमगाने लगता है। और क्या परमेश्वर के वचन में इसे बेहतर करने का, इससे इनकाउंटर करने का, इसका सामना करने का कोई तरीका परमेश्वर के वचन में है? निश्चित रूप से है, और मैं और आप मिलकर उसे देखने का प्रयास यहाँ करेंगे। एक अन्य विशिष्ट आयत है इब्रानियों, उसका 11वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत में लिखा हुआ है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। मेरे और आपके विश्वास के अनुसार चीज़ें घटित होती हैं। मैं और आप जो सांसारिक माता पिता हैं, मैं और आप अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं, बच्चे हम पर विश्वास करते हैं, हम पर भरोसा करते हैं, तो हमें खुशी होती है। यदि सब कुछ सही कहें, अनुसरण करें बच्चे मेरे और आपका, तो मुझे और आपको खुशी होती है। पर बच्चे होते हैं, ऐसा हर बार होता नहीं है। विश्वास के बारे में जो बात सीखने की आवश्यकता है वो ये है कि जो कुछ लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में रोमियों उसका 14वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में, जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। तो विश्वास जो है वो मसीही जीवन का एक बहुत अहम और ज़रूरी हिस्सा है। और जिस बात को मुझे और आपको देखना है, जब मेरे और आपके विश्वास डगमगाने लगते हैं, हिलने लगते हैं, जब हम समस्याओं में होते हैं, कठिनाइयों से होकर गुजरते हैं, तो मुझे और आपको ये देखना है कि क्या परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन के माध्यम से सीखकर मैं और आप अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं? क्या इसे मैं और आप मजबूत कर सकते हैं? क्या परमेश्वर के वचन में इसके लिए कोई उपाय है? लूकरच सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा, लिखा हुआ है। प्रेरित हैं, बात कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमारे विश्वास को, प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं, विश्वास को बढ़ा दीजिए। कैसे बढ़ता है ये विश्वास, ये मुझे और आपको सीखने की आवश्यकता है। क्या किसी सेमिनार में जाने से बढ़ता है? क्या हम गाना गाएं कि मैं विश्वास से एक देश देखता हूं और उससे मेरा और आपका विश्वास बढ़ जाता है? क्या कोई गोली मिलती है, कोई विटामिन की गोली है, विश्वास की कोई गोली है जिसे हम खा लें, जिससे हमारा, जैसे हम इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का प्रयास करते हैं, उस गोली को खाकर विश्वास को मजबूत कर सकें? ऐसा नहीं। परमेश्वर के वचन में इसका उपाय है और मुझे और आपको वही सीखने की आवश्यकता है। इसका उत्तर यह है कि विश्वास की परीक्षा जब की जाती है तब विश्वास बढ़ता है। ये मेरे और आपकी मांसपेशियों के समान हैं। यदि मेरी और आपकी मांसपेशियां हैं, उन्हें मुझे और आपको मजबूत करना है, तो फिर उनको काम करना ज़रूरी है, उनको उस कठिनाई से होकर गुजारना ज़रूरी है, उन्हें मजबूत करना ज़रूरी है। उनका इस्तेमाल होगा तो वो मजबूत होंगी। विश्वास है, इस विश्वास के लिए भी यही बात उचित है। यदि विश्वास का इस्तेमाल किया जाएगा, विश्वास का उपयोग मैं और आप करेंगे, तो फिर विश्वास जो है वो मजबूत होगा। याकूब उसका 1:3 में लिखा हुआ है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। अय्यूब जो है वो भी 7:17-18 आयत में कहता है, मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए और प्रति भोर उसकी सुधि ले और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। परमेश्वर मुझे और आपको जांच रहा है, मेरे और आपके विश्वास को, मेरा और आपका परमेश्वर जो है वो परखता है। हम जो छोटे छोटे अधिकारी होते हैं, बहुत बार हमारे इर्द गिर्द जो लोग काम करते हैं, हम उनके विश्वास को परखते हैं। हम देखते हैं कि वो व्यक्ति सच्चाई से हमारे साथ जुड़ा है या नहीं है। हमारे घर में काम करने वाले हैं, सेवक हैं जो हमारे घरों में काम करते हैं, बहुत बार हम उनके विश्वास को परखते हैं। हमने उनके लिए ये किया, अब देखते हैं जब समय आया है वो हमारे लिए क्या करते हैं, कितने विश्वास योग्य व्यक्ति हैं, ये मैं और आप जो इंसान हैं वो भी परखने का प्रयास करते हैं। और परमेश्वर भी मेरे और आपके विश्वास को परखता है। मुझे और आपको प्रतिदिन लगभग रोज ये अवसर मिलता है कि मैं और आप अपने विश्वास को दृढ़ कर सकें।
परमेश्वर किस तरह मेरे और आपके विश्वास को परखता है, बहुत शीघ्रता से इसे देखने का प्रयास मैं और आप करेंगे। चार प्रमुख तरीके हैं जिस तरीकों से परमेश्वर मेरे और आपके विश्वास को परखता है और मेरे और आपको विश्वास को मजबूत करने का अवसर मुझे और आपको प्रदान करता है। पहला, परमेश्वर मेरा और आपका विश्वास कठिनाइयों में परखता है। वो किसी भी प्रकार की कठिनाइयां हो सकती हैं, परीक्षाएं हो सकती हैं, समस्याएं हो सकती हैं, दबाव हो सकते हैं, कठिन परिस्थितियां हो सकती हैं, जीवन के तनाव हो सकते हैं, परमेश्वर मेरे और आपके विश्वास को परखता। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 6वीं और 7वीं आयत में लिखा हुआ है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हम भले ही अब ये सोचें कि विश्वासी के जीवन में जो है वो कठिन समस्याएं नहीं आती, पर ऐसा होता नहीं है। अय्यूब जो है वो आपके सामने इसका जीता जागता उदाहरण है। और विश्वासी के जीवन में कुछ भी जो है वो दुर्घटनावश नहीं होता। मैं यहां इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर हम कहें कि कोई बुरी चीज हमारे जीवन में होती है तो वो परमेश्वर ने भेजी है, परमेश्वर जानबूझकर हमारा बुरा करना चाह रहा है, उसने योजनाबद्ध तरीके से मेरे और आपके साथ किया है, तो ऐसी बात नहीं। पर मैं और आप इस पाप में दुनिया में रहते हैं और बहुत सी समस्याएं जो हैं वो मेरे और आपके कार्यों के कारण मेरे और आपके ऊपर आती हैं, और बहुत बार मैं और आप सिर्फ ऐसे स्थान पर होते हैं जहां किसी और के साथ समस्या होती है और हम उसके पात्र बन जाते हैं और उस समस्या को मुझे और आपको भी झेलना पड़ता। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर जानबूझकर कोई समस्याएं नहीं भेजता है, पर परमेश्वर जानता है जो भी परेशानियां और समस्याएं मेरे और आपके जीवन में होती हैं, और दुर्घटनाएं मेरे और आपके जीवन में घटित होती हैं और हो सकती हैं, और ये दुर्घटनाएं जब होती हैं, जब हम कठिन दौर से होकर गुजरते हैं, तो मेरे और आपके जीवन बहुत बार डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, मैं और आप परेशान हो जाते हैं। ये डिसअपॉइंटमेंट्स जो होते हैं ये बहुत बार मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ये बात मुझे और आपको समझना ज़रूरी। मेरे और आपके जीवन की हताशा और निराशा, मेरे और आपके जीवन के डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत बार मेरे और आपके लिए परमेश्वर के साथ अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जहां परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है, जहां लगता है अब सारे दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं, जहां लगता है अब और कुछ नहीं किया जा सकता है, ये समस्या बहुत बड़ी है, बहुत कठिन है, मेरे संबंधों से ये नहीं सुलझेगी, मेरे मित्रों से ये नहीं सुलझेगी, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के माध्यम से सुलझेगी, और मेरे और आपके जीवन के बड़े सबसे बड़े डिसअपॉइंटमेंट्स परमेश्वर के लिए सबसे बड़े अपॉइंटमेंट्स बन जाते हैं। योना के बारे में आप जानते हैं, 2:6-7 में, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है, जब मैं मूछा खाने को लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। जब सब कुछ समाप्त हो गया, जब कठिनतम दौर से होकर गुजर रहा था, तब परमेश्वर के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, और परमेश्वर जो है वो उपस्थित होता है और मेरे और आपके जीवनों को संभालता है। तो मुझे और आपको अपने जीवन में अपने कठिनतम दौर में परमेश्वर को अपॉइंटमेंट देने की आवश्यकता है, उसे उपस्थित करने की आवश्यकता है। जब मैं और आप हताशा और निराशा के दौर से होकर गुजरें, जब मैं और आप डिसअपॉइंटेड हो जाएं, जब मुझे और आपको लगे कि ये जो वर्तमान में जो विश्व में समस्या आई है अब मेरी बुद्धि से ये हल नहीं हो पा रही है, दुनिया की बुद्धि से हल नहीं हो पा रही है, दुनिया के नेता इसे हल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये अवसर है जब मैं और आप सच्चाई से परमेश्वर की ओर निहारें और परमेश्वर के साथ अपॉइंटमेंट करें और परमेश्वर से कहें कि वो सहयोग करेगा और कठिन से कठिन और विषम से विषम परिस्थिति से मुझे और आपको बाहर निकालेगा। याकूब उसका पहला अध्याय उसकी 2री और 3री आयत में लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, आगे लिखा हुआ है, धीरज उत्पन्न होता है। कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, परीक्षाएं हैं, बुरा समय है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं और आप पूर्णतः परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वो मुझे और आपको इन कठिनाइयों से, इन परेशानियों से, कठिन दौर से अवश्य निकालेगा। विश्वास की दूसरी परीक्षा क्या है? विश्वास की दूसरी परीक्षा जो है वो ये है कि परमेश्वर बहुत बार मुझसे और आपसे जो करने को कहता है वो मैं और आप करते नहीं, और ये ज़रूरी है कि जो कुछ परमेश्वर कह रहा है उस पर हम अक्षरशः विश्वास करें और जो वो कह रहा है वैसा हम निरंतर अपने जीवनों में करें।
बहुत बार मेरे को और आपको लगता है, मानव बुद्धि को चीज़ें असंभव लगती हैं, पर मुझे और आपको परमेश्वर के निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की और उन्हें समझने की आवश्यकता है। सिर्फ नए नियम में ऐसे 1050 कमांड्स हैं जो दिए गए हैं, जो कहा गया है करने को और जो उन्होंने पूर्ण किए हैं। कुछ जो हैं वो असामान्य से लगते हैं, कुछ निर्देश जो हैं वो असंभव से लगते हैं, परंतु मुझे और आपको ये समझना है कि परमेश्वर कह रहा है, इसलिए मुझे और आपको करना है। उसकी मांग है, उसके आदेश हैं, तो मुझे और आपको करना है। पर ऐसा होता नहीं है। मेरा और आपका मानव स्वभाव जो है वो ये है कि मुझे और आपको जो सही लगता है मैं वो करना चाहता हूँ। ये सही लग रहा है मुझे, ज़्यादा सही उचित ये लगता है। परमेश्वर का वचन भले ही कुछ भी कहता हो, लेकिन मुझे, मैं इंसान हूँ, मुझे अनुभव है, पूर्व का भी अनुभव है, और क्योंकि ऐसा मुझे सही लगता है ऐसा मैं करता हूँ। वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, पर मैं और आप चिंताएं करते हैं। यदि हमसे कहा जाए तो हम बहुत आसानी से कह देंगे नहीं नहीं हम तो वैसा करते हैं जैसा परमेश्वर कहता है, पर वास्तव में परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं कि हम वैसा करते नहीं। हमें लगता है हम इंसान हैं, तो हम परमेश्वर से और उसके वचन से कई बार थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं क्योंकि अनुभव है, और इसलिए हम वैसा नहीं करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5:44 में लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या मैं और आप ऐसा करते हैं? दूसरों को क्षमा करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। मैं और आप क्या ऐसा करते हैं? हर बात में क्या मैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? क्या मैं और आप प्रार्थना को पर्याप्त समय देते हैं? एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, याकूब उसका 5:16 में लिखा हुआ है। क्या मैं और आप अपने पापों को दूसरों के सामने मान लेते हैं? परमेश्वर का वचन तो कहता है, परंतु फिर मेरी और आपकी सोच जो है वो आड़े आ जाती है, जो हमारी दृष्टि में सही है परमेश्वर के वो हम करने लगते हैं। बाइबल में अनेकों उदाहरण हैं जहां परमेश्वर कहता है, हास्यास्पद लगता है, अजीब सा लगता है, पर परमेश्वर कह रहा है और वही करना उचित होता है। इसराइलियों को बंधुआई से परमेश्वर छुड़ाकर ले जा रहा है, मन्ना बरसाने की बात करता है कि मैं रोज तुम्हें पर्याप्त भोजन दूंगा, और उन्हें यह विश्वास करना है कि हमें रोज मिलेगा, और अगर रख लेते हैं वो तो वो सड़ जाएगा, बसाने लगता है। परमेश्वर कह रहा है ऐसा होगा, और उस पर भरोसा रखना, उस पर विश्वास करना बहुत और बहुत आवश्यक है। सोचिए यदि मैं और आप कहा जाए कि पानी जो है जो तुम्हें पीना है वो रोज मैं बरसाऊंगा, बस उतना ही पानी लेना जितना रोज तुम्हारे लिए ज़रूरत, पर हमें लगेगा कि नहीं थोड़ा सा बचा के रख लेते हैं। मान लो कल नहीं गिरा, मान लो कल परमेश्वर भूल गया, तो फिर क्या करेंगे? और मैं और आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगते हैं। निर्गमन उसका 16:4 में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे, इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि वे मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। परमेश्वर स्पष्ट कर रहा है कि मैं इससे परीक्षा लूंगा कि जो तुम्हें चाहिए उस दिन के लिए, प्रतिदिन के लिए, सिर्फ उतना ही तुम्हें लेना। हमें लगता है कि बहुत से काम होंगे परमेश्वर के पास और वो भूल गया यदि, तो इसलिए थोड़ा सा हम अपना दिमाग लगा लेते हैं और जैसा हम उचित समझते हैं वैसा हम करते हैं। पर परमेश्वर चाहता है कि यदि मुझे और आपको अपने विश्वास को बढ़ाना है तो परमेश्वर पर भरोसा करना होगा। अब्राहम के बारे में मैं और आप जानते हैं, आपको याद है अब्राहम 75 वर्ष का था, सोचता होगा कि अब बस हो गया, अब मेरा समय समाप्त हो गया, अब ये रिटायरमेंट का समय हो गया है, पर परमेश्वर उससे कहता है चलो मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ जहाँ तुम पहले कभी नहीं गए। अब्राहम पूछता होगा कहाँ जा रहे हैं, परमेश्वर कहता है मैं बता दूंगा, कैसे जाएंगे मैं दिखा दूंगा। परमेश्वर कहते हैं कैसे पता चलेगा कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, तो परमेश्वर कह रहा है मैं बता दूंगा। सोचिए वर्तमान परिस्थितियों में यदि मेरे और आपके साथ ऐसा हो कि परमेश्वर किसी अज्ञात स्थान पर मुझे और आपको जाने को कहे, तो क्या मैं और आप विश्वास में कितने दृढ़ होंगे, और मैं और आप क्या जाना चाहेंगे? मुझे और आपको लगेगा गूगल पे सर्च कर लें, वहाँ जाएंगे तो पहुँचेंगे तो क्या होगा, तो कैसा होगा, तो किस जगह ठहरेंगे, तो बहुत से प्रश्न मेरे और आपके जीवन में आते हैं। पर परमेश्वर का वचन इससे विपरीत है। परमेश्वर का वचन कहता है मुझ पर भरोसा रखो, जो मैं कह रहा हूं उसे करो और अक्षरशः उसका पालन करो। विश्वास जो है वास्तव में खतरनाक है, हमें पहले से पता ही नहीं होता कि क्या करना है, परंतु परमेश्वर बहुत बार मेरे और आपके विश्वास को
परखता। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। लिखा हुआ है नहीं जानता था तो भी वो निकल गया। आप नूह के बारे में जानते हैं, नूह के बारे में मैंने और आपने पढ़ रखा है, परमेश्वर कह रहा है जहाज बनाओ। कहाँ है ये जगह? रेगिस्तान में जगह है, रेगिस्तान में है, और परमेश्वर कह रहा है जहाज बनाओ, और फिर कह रहा है छोटा मोटा मत बनाना, बहुत बड़ा बनाना, और फिर उसके डायमेंशन से मिलते हैं, और एक भारी विशाल का जहाज नूह बनाने का प्रयास करता है रेगिस्तान में, जहां बारिश नहीं होती थी पहले लिखा हुआ, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है इसलिए वो बनाता है। कितना मजाक का और हास्य का कारण नूह बना होगा, लोग वहां से निकलते होंगे, देखते होंगे, मजाक करते होंगे कि ये पागल है, ये बेवकूफ है, ये कर क्या रहा। और फिर आप जानते हैं क्या होता है, वो वैसा ही करता है, भले वो सेंस ना करे, पर क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है इसलिए करना है। वचन में बहुत से उदाहरण हैं, शहर पर आ गिरेगी, चक्कर लगाओ, चक्कर लगा दिए, अब बस चक्कर लगा दिया, अब धक्का भी लगा देते हैं, पर परमेश्वर धक्का लगाने नहीं कह रहा है, गिरना है शहरपनाह, तो मेरी और आपकी बुद्धि यह है कि इसे ढकेलना तो पड़ेगा, इसे कुछ हम भी तो कर दें, पर परमेश्वर कह रहा है कुछ नहीं करना है, सिर्फ चक्कर लगाना है, लाठी को पानी पर मारना है, अरे समुद्र को विभाजित करना है, परमेश्वर तो ऐसे ही विभाजित कर दे, मेरा मजाक क्यों उड़ा रहा है कि एक लाठी को मैं पानी पर क्यों मारूं, पर परमेश्वर कह रहा है तो करना, इस लाठी को फेंक दो ये सांप बन जाएगी, और वो सांप बन जाती है, परमेश्वर कह रहा है फेंक दो, वहां तक फेंकने तक तो ठीक है, अब उस सांप की पूंछ को पकड़ना है कि वो वापस लाठी बन जाए, पर क्योंकि परमेश्वर कह रहा है इसलिए करना है, और किया जाता है, और परमेश्वर के नाम की गवाही होती है। मेरे और आपके विश्वास जो हैं वो परखे जाते हैं, और इसके लिए जरूरी है कि मैं और आप वो करें जो परमेश्वर मुझसे और आपको करने को कह रहा है। तीसरी बात, किस बात में और हम परखे जाते हैं? अपनी भेंटों में। मैं और आप जो हैं वो अपनी भेंटें किस प्रकार परमेश्वर को समर्पित करते हैं, ये बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अधिकांशतः लोगों को जो सबसे प्रिय होता है उसके लिए खर्च करना चाहते हैं। कई बार सीमित देना जो होता है वो आसान होने लगता है, पर जब बढ़ने लगता है, जब व्यक्ति के पास अधिक होने लगता है, तो उसे देने में कठिनाई होती है, वो आसान नहीं होता। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम अधर्म के धर्म में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। अगर तुम अधर्म के धन में सच्चे नहीं ठहरे तो फिर सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। परमेश्वर का वचन जो है वो स्पष्ट रूप से कह रहा है, परमेश्वर चाहता है कि जब दिया जाए तो गहराई से दिया जाए। सांसारिक धन में यदि हम सच्चे नहीं हैं तो फिर हमको जो परमेश्वर देना चाहता है बहुत बार उससे मैं और आप वंचित रह जाते हैं। हमारे जीवन कितने आशीषित हों, कितने आशीषित जीवन रहें, इस बात को मैं और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सिर्फ धन अर्जित करने से कोई आशीषित नहीं होता। यदि धन अर्जित करने से ही इंसान आशीषित हो जाता तो फिर ये बड़े बड़े परिवारों के और बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो जाकर अपने जीवनों को समाप्त नहीं करते, हताशा और निराशा के अंधकार में नहीं जाते, यदि सिर्फ पैसा और धन कमाना ही पर्याप्त होता। आशीषित जीवन जो है मैं और आप समझते हैं और परमेश्वर के वचन से समझते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है 10% जो है, सारे दसवांश जो हैं वो भंडार में ले आओ। मुझे और आपको जरूरी है, मैं और आप जिन कलीसियाओं से जुड़े हुए हैं, ये अभी लॉकडाउन का समय है, आराधनाएं जो हैं वो संचालित नहीं हो रही हैं, पर कलीसियाएं जो हैं उनका अस्तित्व तो बरकरार है, और जरूरी है कि मैं और आप परमेश्वर पर अपने विश्वास को प्रदर्शित करें और अपनी स्थानीय कलीसियाओं को मजबूत रहने दें। जिन कलीसिया ने आपके और आपकी पीढ़ियों को और आपके परिवारों को वर्षों संभाला है, अगर मुझे और आपको अपना सहयोग करके उन कलीसियाओं को संभालने का अवसर है और समय है, तो ये ज़रूरी है कि मैं और आप उस कलीसिया को और परमेश्वर के लिए अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। 10% दो, और परमेश्वर कहता है ऐसा करके तुम मुझे परख लो। मैं और आप किसी स्थिति में परमेश्वर को परख नहीं सकते, पर परमेश्वर कह रहा है, उसका वचन स्पष्ट कर रहा है कि परख लो, ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं तुम्हारे जीवनों में आशीषों को भर देता हूं कि नहीं। अपरंपार आशीषें परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, वो कह रहा है, स्पष्ट कह रहा है, स्पष्ट कर रहा है, और मैं और आप बहुत बार उस पर भरोसा नहीं करते। अमेरिका जाने का अवसर बहुत बार मिलता है, बहुत से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों से मिलने का अवसर मिला है। मैं देखता हूँ उस देश में
बड़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रेड क्रॉस है, साल्वेशन आर्मी है, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी है, दुनिया का बहुत सारा जो 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 डोनेशन है वो पूरी दुनिया में इन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सी असंख्य ऑर्गेनाइजेशन से जाता है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं कि चर्च भवन बन रहा है तो हमने अपना घर बेच दिया है, बड़ा घर था उसकी ज़रूरत नहीं थी, अब हम छोटे घर में शिफ्ट हो गए। उन्होंने अपनी एक गाड़ी बेच दी है क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कलीसिया को, चर्च को उसकी ज़रूरत है। परमेश्वर के कार्यों के लिए देना जो है इस बात को प्रकट करता है कि मेरा और आपका विश्वास परमेश्वर पर कितना है। नया नियम दूसरा कुरंथियों उसका 8वां अध्याय और 7वीं और 8वीं आयत में कहता है, इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। परमेश्वर इसका वचन स्पष्ट कर रहा है कि मैं आज्ञा के रूप में तो नहीं कह रहा हूं, पर परखने के लिए तो कह रहा हूं। तो परमेश्वर मुझे और आपको परखता है। आपको पता है पौलुस जो है वो कुरिंथ की कलीसिया की तुलना मकिदुनिया की कलीसिया से करता है, मसीहियों से करता है। आयतें जो ये आयतें ना सिर्फ विश्वास की परख करती हैं, पर प्रेम की सच्चाई की परख भी करती हैं कि मेरा और आपका प्रेम परमेश्वर से कितना गहरा है। पहला इतिहास उसके 29वें अध्याय में वर्णन है, दाऊद एवं इसराइल के लोग मंदिर निर्माण के लिए भेंटें एकत्रित करते हैं, और ये भेंटें छोटी मोटी भेंटें नहीं हैं। $400 मिलियन में स्कॉलर्स से पढ़ रहा था, वो एक बार की अपील करते हैं और इतना लगभग 40 करोड़ रुपये इकट्ठा होता है। ये शायद इतिहास की सबसे बड़ी भेंट है जो एक अपील से इकट्ठी हुई है। पर उसके बाद घमंड नहीं है, लिखा हुआ है, दाऊद क्या कहता है, देखिए पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में वो कहता है, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है ना, और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। दाऊद स्पष्ट कर रहा है कि हम दे रहे हैं तो कोई गर्व की बात नहीं है, कोई घमंड करने की बात नहीं है, तू ही ने तो दिया है ना परमेश्वर। जो कुछ मेरे और आपके पास आज है, यदि मैं और आप ये मानते हैं कि सब कुछ उसी ने तो दिया है ना, और अब उसमें से कुछ देने का समय है, और मुझे और आपको ये समय मिल रहा है, अवसर मिल रहा है कि मैं और आप परमेश्वर के लिए कुछ कर सकें, तो मुझे और आपको उसे सच्चाई के साथ करने की आवश्यकता है, ये ज़रूरी है। चौथी और अंतिम बात जो मैं चाहता हूं कि मैं और आप मिलकर देखें वो ये कि विश्वास की जो परीक्षा है वो हमारी दृष्टि में बहुत बार देर होने पर, इंतजार करने पर भी होती है। मैं और आप इंतजार नहीं करना चाहते, मैं और आप चाहते हैं कि प्रार्थना के उत्तर जो हैं वो मुझे और आपको तुरंत मिल जाएं। अगर इस कलीसिया में नहीं मिल रहे हैं तो वो भाई उसके यहाँ प्रार्थना होती है, हम वहाँ चले जाते हैं, अब उसके यहाँ चले जाते हैं, वो और ज़ोर से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं तो उनके पास चले जाते हैं। फिर प्रार्थनाएँ होती हैं कि परमेश्वर हम तुझसे मांग लेते हैं, हम मांग लेते हैं, अभी चाहिए, हमें चाहिए है और अभी चाहिए है, हम इंतज़ार नहीं करना चाहते। ये मानव स्वभाव भी है। ट्रैफिक लाइट है, रेड हो गई है, पर किसी तरह हम निकल जाएं, कैसे निकल सकते हैं, हम निकलने का प्रयास करते हैं। रेलवे क्रॉसिंग है, ब्रिज गिर गया है तो नीचे से निकल जाते हैं, साइड से निकल जाते हैं, कोई और रास्ता होगा, हम निकलने का प्रयास करते हैं, हम इंतज़ार नहीं करना चाहते। पर मुझे और आपको ये समझना है कि जीवन के हर जगह पर मुझे और आपको इंतज़ार करना पड़ता है। प्रति सप्ताह भोजन बनने में लगभग 20 घंटे का समय लगता है, मैं पढ़ रहा था। यदि मुझे और आपको भोजन करना है, स्वादिष्ट भोजन खाना है, तो 20 घंटे प्रति सप्ताह सिर्फ भोजन के को बनाने में लग जाता है। फिर आप जानते हैं कि कपड़े जो हैं पहनना है, कपड़े पहनकर उसे प्रेस होना है, धुलने जाना है, साफ होना है, हर कुछ जो भी मैं और आप करते हैं उसमें इंतज़ार करना पड़ता है, तब मेरे और आपके जीवन में वो घटित होता है। इसराइली जो थे बंधुवाई से जब छुड़ाए गए तो आप जानते हैं जो उन्हें पहुंचने के लिए वाचा के देश में पहुंचने में 40 वर्ष लगे। इतनी देर, इतना समय लगने की क्या जरूरत थी? वहां पहुंचने में इतना समय लगने वाला था नहीं, ये 2 से 3 हफ्ते का रास्ता था, पर समय 40 वर्ष लगते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वहां पहुंचाने से ज्यादा परमेश्वर को उन्हें विकसित करना है, उनके विश्वास को बढ़ाना है। व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसकी 2री आयत में लिखा है, यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है।
तो इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर जांच रहा है और इंतजार हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर यह देखना चाहता है कि विश्वास जो है वो मजबूत हुआ है या नहीं हुआ। परमेश्वर इस बात की जल्दी में नहीं है कि जो कुछ हमने मांगा है उसे वो परमेश्वर जल्दी से मुझे और आपको दे दे। परमेश्वर यह चाहता है कि मेरे और आपके विश्वास की मजबूती तो हो। परमेश्वर को ये सब कुछ इस दुनिया में जो है आशीषें वो परमेश्वर मुझे और आपको दे सकता है। मेरे धर्म और राज्य की खोज तो करो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। वो चाहता है कि पहले मैं और आप विकसित तो हो जाएं, परमेश्वर पर भरोसा तो कर लें, परमेश्वर पर विश्वास को दृढ़ तो कर लें, उन मांसपेशियों का इस्तेमाल तो कर लें, अपने विश्वास की मांसपेशियों को मजबूत तो कर लें। और परमेश्वर तैयार है मेरे और आपके जीवन में आशीषें देना चाहता है, पर उसकी रुचि इस बात में नहीं है कि जल्दी से हो जाए, तुरंत हो जाए, अभी हो जाए। नौकरी कब मिलेगी, मिल नहीं रही है, विवाह जो है वो कब होगा, बच्चा जो है वो हो नहीं रहे हैं, बच्चे कब होंगे। परमेश्वर की रुचि मेरे और आपके हर मांग को तुरंत पूरी कर देने की में नहीं है, पर मुझे और आपको विश्वास में दृढ़ करने की। हम इंतजार करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है। यशया उसका 64वां अध्याय और उसकी 4 आयत में लिखा है, प्राचीन काल ही से तुझे छोड़कर कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा और ना कान से उसकी चर्चा सुनी जो अपनी बाँट जोहने वालों के लिए काम करे। वो मेरे और आपके लिए काम करने को तैयार है, वो मेरे और आपके जीवनों को आशीषित करना चाहता है, पर ज़रूरी है कि मैं और आप इंतज़ार करें और भरोसा करें, अपने विश्वास को मजबूत करें कि परमेश्वर से जो मांगा है वो परमेश्वर जब उचित समझेगा मेरे और आपके लिए वो करेगा। मैं और आप कठिनाइयों से होकर गुजरते हैं तो मेरे और आपकी परख होती है। यशाया 48वां अध्याय 10वीं आयत में भी लिखा हुआ है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया है पर चांदी के समान नहीं, मैंने तुझे दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है, लिखा हुआ है। जब मैं और आप कठिनाइयों से होकर गुजरते हैं, जब मैं और आप परेशानियों से होकर गुजरते हैं, जब मैं और आप दुख की भट्टी से होकर गुजरते हैं, तो क्या मैं और आप उस आँच का अनुभव करते हैं कि हाँ ये आँच है, ये बहुत तेज़ हो रही है, अब ये हाथ तक नहीं, अब ये शरीर तक आने लगी है, अब ये गर्दन तक आने लगी है, अब ये सिर तक तक को तपाने लगी है, ये जो तपन की जो आँच है ये अब मुझे और आपको लगने लगी है। मुझे और आपको इसे समझना जरूरी है कि परमेश्वर बहुत बार मेरे और आपके लिए जल्दबाजी में निर्णय नहीं करता, परंतु मुझे और आपको मजबूत करना चाहता। एक सुनार के बारे में पढ़ रहा था, उससे पूछा गया कि कैसे पता चलता है वो कार्य करता है सोने पर, चांदी पर, चांदी को पिघलाने का कार्य करता है। उससे पूछा गया कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि चांदी जो है वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गई। उसका जवाब था कि उसे तपाया जाता है, उसे आग पर रखा जाता है और मैं उसे तब तक देखता हूँ जब तक मेरा प्रतिबिंब, मेरी छाया जो है वो उस चांदी पर दिखने नहीं लगती, और जब छाया दिखने लगती है तो मालूम हो जाता है कि अब वो है, वो शुद्ध हो चुकी है। बहुत बार मेरे और आपके जीवन जो हैं वो तपाए जाते हैं, मेरे और आपके जीवन कठिन दौर से होकर गुजरते हैं और परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अपना प्रतिबिंब जो है वो देखना चाहता है। क्या परमेश्वर वास्तव में मेरे और आपके अंदर है? क्या उसकी आत्मा जो उसने दी है, पवित्र आत्मा जिसे मैं और आप कहते हैं, जिसे परमेश्वर का एक रूप मानते हैं, क्या वो मेरे और आपके अंदर वास करती है? क्या परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को जब देखता है तो क्या वो स्वयं के प्रतिबिंब को देख सकता है? और जब वो देख सकता है तब वो मेरे और आपके जीवनों को आशीषित करता है, तब मेरा और आपका विश्वास जो है वो उसमें दृढ़ होता है, और जब वो दे रहा है तो उसे दिखाई दे रहा है कि मैं उसे दे रहा हूँ जिसके जीवन में मैं उपस्थित हूँ, और वो बहुतायत से मेरे और आपके जीवनों को आशीषित कर देता है। वर्तमान समय कठिन समय है, कठिन दौर से जो मानव जाति है वो पूरी दुनिया में होकर गुजर रही है, पर ये समय है कि मैं और आप अपने विश्वास को परखें, ये समय है कि मैं और आप के विश्वास जो हैं वो तपाए जाएं, ये समय है कि मैं और आप परमेश्वर को अपने जीवनों में वास करने दें कि जब मेरे और आपके जीवन देखे जाएं तो उसमें परमेश्वर का प्रतिबिंब दिखाई दे और मेरे और आपके जीवन से बहुतायत से परमेश्वर की महिमा हो सके। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे और आपका विश्वास जो है वो दृढ़ हो सकेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा और आपका जीवन परमेश्वर को महिमा देने का जीवन हो सकेगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज के बचन के लिए हम लोग उदास कर रहे हैं सर, अल्लाह का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बड़े सुंदर तरीके
सहयोग के विश्वास इतने रखा है। मैं अपनी ओर से पंचायत की ओर से और समस्त विश्वास की ओर से गणित सर की ओर से सैन कॉलेज सर गणित सर की ओर से अगर सर धन्यवाद देता हूँ और हमारी प्रार्थना है कि वह आपको आपके धन्यवाद आशीष दे और आपकी सेवा के द्वारा से बहुत लोग परमेश्वर के पास आ सके हमारे लिए प्राप्त है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष गाएंगे।
सनातन सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब वस्तुओं के कर्ता और रक्षक हम तुझको पुकारते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम पर कृपा कर, हमारे पापों को स्मरण ना कर, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र कर और पवित्र चाल चलने का अनुग्रह दे, अपने वचन और पवित्र सैक्रमेंट के द्वारा सब मसीह को एकत्र कर, सशक्त कर और पाल हे प्रभु उन सब लोगों पर जो अब तक अज्ञानता और मृत्यु के अधिकार में है, दया कर और अपने मुक्तिदायक उनको प्रकाश और जीवन के साथ सुसमाचार के द्वारा उन पर उदय होने दे, और अपने वचन के प्रचारकों को अपने समस्त और साहस सशक्त कर, उनको जो धर्म कार्य सताए जाते हैं अपने अनुग्रह संभाल, विश्व कलीसिया उसके संबंधियों सब पासवों को आशीष दे, हे परमेश्वर सब जातिगणों में से आपसे अविश्वास और वैरभाव को निकाल के पृथ्वी पर शांति का वास हो, हमारी मातृभूमि की रक्षा कर, हमारे प्रिय राष्ट्रपति को आशीष दे, हमारे देश में अच्छे शासन और उसकी रक्षा के लिए हमारी सरकार और सब विश्वासियों के अधिकारियों की और समस्त सेना की सहायता कर, न्याय और धार्मिकता को प्रबल कर और हमें तेरे नाम का भय मानने वाला बना, हे परमेश्वर हमने हमने अपने उचित कार्यों में हर्ष दे और ऐसा करके हम एक दूसरे की सेवा और सहायता करने में तत्पर हो, अपनी आशीष भूमि की उपज पर और सारे उचित धंधों और पदों पर रहने दे, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे समस्त मसीह परिवारों के लिए, हमारे कलीसिया के लोगों के लिए जो इस वक्त प्रभु जी बीमार हैं, दुखित हैं, तकलीफ में हैं, प्यारे पिता हम विशेषकर अपने प्रिय लोगों को प्रभु याद करते हैं जो हमारे कलीसिया में हैं, आश्वस्त हैं, मिसेस सुतन मसीह के प्रभु जी हम आपसे निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, मिस्टर जेवन जोसेफ के लिए प्यारे पिता, मिसेस यूरी आशा के लिए, मिसेस अजना लाल के लिए, भाई राजेंद्र योहन के लिए प्यारे पिता, और जो भी हमारे कलीसिया में आश्वस्त प्यारे पिता हर एक के लिए आपके नाम से चक्काई की प्रार्थना को बोलते प्यारे पिता, हमारे देश पर आपकी शांति और आशीष बनी रहे प्यारे पिता, इस महामारी से आपने बचाएं और प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार ये महामारी दूर हो सके, ताकि फिर से प्रभु जी हम एकत्र हो कि आपके रात आपके भवन में कंधवाले हो सके, कृपा करके सब कंगालो और अनाथों का सहायक और सबका साथ खुलकर शांति दाता हो, सब रोगियों मृत्युओं को शांति दे, जब हमारे मृत्यु समीप हो तब हमें अपने सामने संभाल और इस नाश में जीवन के पश्चात अनंत परम सुख दे, तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना मिलकर के एक साथ कहेंगे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने पाप को क्षमा किया है वैसे हमारे पाप को क्षमा किया है, हमारी क्षमा किया है सदा दे प्रभु, तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे, प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम सब पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे, प्रभु अपने मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें आशीष दे, परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से।
से घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की शांति और आशीष आप सबों के साथ बनी रहे। आमीन। आप सबों को यीशु सहायता।